अच्छा तो क्लास शुरू करते हैं। यस सर। हमारे चल रहे थे एक्टिव पैसिव चल रहे थे हमारे। ओके यस सर, उसकी आगे एग्जांपल्स करनी थी तो उस दिन डेथ हो गई थी मॉम की। एग्जांपल्स। हाँ मैंने करवाई थी उसकी, शुरू करवाई थी मैंने उस दिन उसको जवाब को प्रेजेंट डेफिनेट जवाब टेंस के जो है ना, तो टेंसेज मैंने कहा था आपको रूल में रखवाया कि टेंसेज से हम चेंज कर सकते हैं पैसिव वॉइस में। आपके एक्टिव वॉइस जो है वो आपके टेंस टेंसेज होते हैं आपके, जिसमें सब्जेक्ट भी होता है, जिसमें वर्ब भी होता है, उसमें ऑब्जेक्ट भी होता है। ओके तो उसको हम चेंज यस करते सर, हैं, उसको हम पैसिव में चेंज करते हैं। तो ऑब्जेक्ट शुरू में ले आते हैं हम और सब्जेक्ट चला जाता यस है आखिर सर, में चेंज हो गए, उसे बाई लगा देते हैं। आपने रूल तो देखा था ना, आपने मुझे भेज दिया, आपने होमवर्क भेजा था मुझे आपने कि यस सर, मैंने भेजा था सर, नहीं? रूल भेजे थे सर। अच्छा भेजे थे आपने, कोई आइडिया तो होगा ना फिर आपको उस हवाले से ना। तो आप यस सर, जरा इसको लिखे ना, आप रूल्स के रूल्स आपके सामने नहीं है, आपके घर छोड़ रहे हैं उधर सारे चीजें। तो बहरहाल यस आप जबानी अगर हो जाए तो आपके माइंड में आ जाएगा ना, अच्छा हो जाएगा ना, पर्टिकुलर माइंड में आ जाएगा। लिखें आप के दे यस सर, बोल दे वॉच दे। द टीवी, दे वॉच द टीवी। वॉच द टीवी। हाँ जवाब भी आ गया, जवाब भी आ गया, अच्छा हो गया ना। गुड गुड मॉर्निंग सर। यस मॉर्निंग। हाँ भाई जवाब क्या हाल है आपका? ठीक है चले। सर, अल्हम्दुलिल्लाह। ऑल इज वेल। यस अच्छा वो टेस्ट का फिर हमने सोचा है कि इसको हम परसों कर लेंगे, क्योंकि ये गांव गया हुआ ना शुएब, तो परसों यस सर, थोड़ा क्लास जबानी टेस्ट ले लेंगे आपसे परसों इंशाल्लाह। लेकिन क्लास आगे चलती रहे, क्लास डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना? तो यस हम एक्टिव पैसिव के वाले से इसने मुझे काम भेजा था, मुझे जवाब ने, तो अच्छा काम किया इसने। वो प्रेजेंट डेफर टेंस को हमने चेंज किया है उसको पैसिव वॉइस में। आप भी लिखना शुरू कर दो, हम शुरू करेंगे यहीं से प्रेजेंट डेफर टेंस से, ठीक है ना? जवाब तो यस शुरू सर, किए थे ना सर पिछली क्लास, तो शुरू करो उसको। शाबाश। रूल्स लिखे हैं आपके पास, ये आपके सारे नोट किए, आपको याद ही होंगे, आपके काम में मुझे भेजा हुआ है। लिखें कि क्या है ये, दे वॉच द टीवी, दे वॉच द टीवी, वो टीवी देखते द हैं, टीवी। वो टीवी देखते हैं। दे यस वॉच सर, द टीवी। अब इसमें जो द दे टीवी। है वो प्रोनाउन है, पता है आपको, ठीक है? ये यस सर, सब्जेक्ट है आपका, यस और वॉच आपका वर्ब है, काम है, ठीक है? और टीवी जो यस सर, है वो आपका ऑब्जेक्ट है जिस पे काम होता है। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होना बहुत जरूरी है एक्टिव ऐसे यस पैसे सर, चेंज करने के लिए। अब पैसे में चेंज करेंगे हम तो क्या करेंगे, दी टीवी लिखें जी, पैसे वाइज पहला एक्टिव वाइज हो गया, पैसे वाइज है। दी टीवी इज यस वॉच्ड, दी टीवी इज वॉच्ड बाय देम, बाय देम, द टीवी इज देख लिया देम आ जाएगा, दे टी एच ई एम वो चेंज हो जाएगा, उसके बाई लगा देंगे आप। देम में चेंज होता है। यस सर, जी दी ठीक है टीवी सर, दी, लिख लिया। अच्छा इसको उर्दू में कर लिया करें ना आप, वो टीवी देखते हैं। यस सर, बात दो तरीके होते हैं, एक आसान एक मुश्किल तरीका। आसान तरीका एक्टिव वाइस है, मुश्किल पैसे वाइस है, बात एक ही होती है, वो टीवी देखते हैं, टीवी उनसे देखा जाता है। अब देखेंगे आप उर्दू में आपने किया दूसरा जुमला बनाया तो उसी मुताबिक इंग्लिश में कर देंगे उसको, ठीक है? यस सर, वो टीवी देखते हैं, दे द वॉच द टीवी, टीवी उनसे देखा जाता है, टीवी इज दी टीवी इज वॉच्ड बाय देम। ओके ओके सर, फुल देम, ठीक है स्टॉप। सर, हाँ जी आगे चलें। शी ईट्स एन एप्पल, वो सेब खाती है, शी ईट्स एन एप्पल, शी ईट्स एन एप्पल, शी ओके ईट्स सर, एन एप्पल। अब आगा सेब उससे खाया जाता है, एन एप्पल इज एप्पल ईटन बाय हर, ईटन बाय हर, शी हर एन में चेंज हो एप्पल जाता है। इज ईटन बाय हर। अच्छा एक और बात का ख्याल ओके करेंगे सर, आप, कि आपका यस सर, जुमला शुरू होगा हमेशा आर्टिकल से पैसिव वॉइस में, ठीक है? आपने शुरू करना है किसे करना है, आर्टिकल आर्टिकल से। से, और आर्टिकल कहाँ लगा होता है, ऑब्जेक्ट से पहले लगा होता है, आखिरी हिस्सा जो आपका जो ओके है वो यस इससे सर, पहले, या आपका प्रीपोजिशन होगा वहां शुरू करेंगे, या फिर अगर वो या फिर आर्टिकल होगा वहां शुरू करेंगे। जी लिख लिया आपने, ठीक है एन सर, लिख एप्पल लिया। इटन बाय यस हर। सर, आगे लिखें, यस सर, नंबर 3, आई ड्रिंक वाटर, मैं पानी पीता हूँ, या मैं पानी पीती हूँ, दोनों के लिए मुज़क्कर और मुज़क्कर, मोनस मोनस, मैं पानी पीता हूँ या आई मैं, ड्रिंक वाटर, आई ड्रिंक वाटर, आई वाटर, ड्रिंक वाटर,
अब होगा, अब अच्छा एक और बात, अब यहाँ पे ना आपका जो है वो नहीं आ आर्टिकल रहा है, ऑब्जेक्ट के साथ प्रोनाउन नहीं आ रहा है, ना आपका आर्टिकल आ रहा है, ठीक है, सॉरी, नहीं है। ना आपका यस प्रीपोजिशन सर, आ रहा है, ना आपका आर्टिकल आ रहा है, तो क्या करेंगे हम? डायरेक्ट नाउन आर्टिकल आ रहा से शुरू करेंगे, नाउन से। ये वाटर आपका नाउन भी है ना, है। यस सर, वाटर, नाउन। यस सर, वाटर वाटर इज ड्रंक बाय मी, मैं पानी पीता हूं, पानी मुझसे पिया ओके जाता है। सर, आई ड्रिंक वाटर, वाटर इज वाटर ड्रंक इज बाय ड्रंक मी। बाय मी, ओके ओके। सर, हाँ जी, अब थर्ड फॉर्म है ड्रंक, यस। DRUNK, ड्रंक थर्ड फॉर्म है वर्ब की, वाटर इज ड्रंक बाय मी, ओके। चलें आगे, यस सर, आगे चलते हैं। वी प्ले द मैच, हम मैच खेलते हैं। वी प्ले द मैच, हम मैच खेलते हैं। मैच। अब का मैच हमसे खेला जाता है, उर्दू में करेंगे, हम मैच खेलते हैं, मैच हमसे खेला जाता है, पैसे वाइज। दी मैच इज प्लेड बाय अस, ठीक दी है सर, मैच इज प्लेड बाय अस, लिख लिया सर। दी मैच इज प्लेड बाय ओके अस, सर, ओके, ओके सर, यस सर, लिख यस, दी लिया। मैच इज प्लेड बाय अस, ठीक है ना। आगे अच्छा, सर, आगे चलें, नंबर 5। यस सर, आगे है यू, यू यू टेक टी, तुम चाय लेते हो, तुम चाय लेते हो। टेक। आप पैसे वैसे क्या, चाय तुमसे ली जाती है, चाय तुमसे ली जाती है, लीजिए, या चाय जो है तुम्हारे जरिए ली जाती है, बायो का जरिया। टी इज टेकन बाय यू, टेकन बाय यू। टी इज टेकन बाय यू, देखिए बार थर्ड फॉर्म सब में आ रही, पैसे वैसे मेरे को लिखवाया था मैंने आपको, यस सर, यस सर, उससे पहले हेल्पिंग वर्ब आपका जो है वो इज आ गया थर्ड फॉर्म से पहले, और आपने प्रोनाउन चेंज यस करके सर, उससे पहले बाई लगा दिया है एंड पर ऑब्जेक्ट के बाय। साथ। यस सर, आगे चलें, सर कोई इट का भी जुमला बनवाए सर, इट वाला इसका नहीं, इट का नहीं होता, इट बजान की बाइट, होती है, काम करने के नहीं होता सर लिए इसमें। आपके नहीं पास होता इसमें। जाता ठीक है हूं। सर, नहीं, इट का ये होता ठीक है है, सर, सुनो सुनो, इट जो है ना, इट वो बजान चीज के लिए है, काम यस करने सर, के लिए, काम करने वाले का जिंदा होना लाजमी है, समझे मेरी बात? ठीक है सर, हाँ, ठीक इसलिए है हम सर, इसको इट को यूज नहीं करेंगे। अच्छा ठीक है सर, जी, अब आगे हम लिखते हैं कि आप करें इसको कि ही राइट्स अ लेटर, वो खत लिखता है, ही राइट्स अ लेटर, वो खत लिखता है, खत उससे लेटर। लिखा जाता है। खत उससे लिखा जाता है जी। अब क्या होगा, लेटर इज रिटन ए बाय, लेटर, शुरू में ए पढ़ेंगे, आ नहीं पढ़ना, ए यस पढ़ना, सर, ए ए लेटर, ए इज रिटन बाय हिम बिल्कुल ठीक है, ए लेटर इज रिटन बाय हिम, हिम। ए लेटर इज यस सर, रिटन ठीक बाय हिम, HIM, है सर, HIM, खत उससे लिखा, खत उसके जरिए लिखा जाता है, उस लिखा जाता है, ठीक है, या खुद तो खत उसे लिखा जाता है जी। यस सर, अब है नंबर 7। नंबर 7 जो है, बट ठीक है, इट तो नहीं इस्तेमाल करेंगे ना हम। अच्छा, फिर सेकंड फेज इसका, यस बस एक एक फेज कर लें, फिर अभी आप प्रैक्टिस करेंगे इसकी, फिर होमवर्क भी यस भेजेंगे। सर, ये बहुत है। अब आ जाएं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के ऊपर, आ जाएं, शाबाश, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, यस प्रेजेंट सर, कंटिन्यूस टेंस, लेट अस स्टार्ट नाउ, दे आर टेकिंग द डिनर, दे आर टेकिंग द डिनर, वो रात का खाना ले रहे हैं, दे आर टेकिंग द डिनर, रात का खाना उनसे लिया जाता होता है। क्या होगा, डिनर, दी डिनर इज बीइंग टेकन बाय देम, सर दी ये जैसे कि डिनर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इसमें को दे आर टेकन, मेरी बात सुने, इसमें बी थर्ड फॉर्म यूज होगी सर। तो सुनो सुनो मेरी बात, जरा सी गलती बड़ी गलती बन जाएगी। दे आर टेकिंग द डिनर, दी डिनर इज बीइंग टेकन बाय देम, बीइंग, BEING, इसके बाद बीइंग लगा देना है, BEING आ जाएगा, दी डिनर इज बीइंग टेकन बाय देम। ओके सर, अजी, अब आपने बीइंग का दफा कर देना है, ये ख्याल करेंगे आप, अगले आसानी हो जाएगी कि आपने हेल्पिंग वर्ब इज के साथ प्रेजेंट डेफिनेट टेंस के पैसिव वॉइस में अभी इज लगाया था, यहां पर आप बीइंग का इजाफा कर देंगे पैसिव वॉइस में सिर्फ, ठीक है। चलें जी आगे,
यस सर आगे है वी, यस सर लिखें जी, वी डू जॉब, हम नौकरी करते हैं, हम काम करते हैं, वी डू जॉब, सॉरी वी आर डूइंग जॉब, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है ना, वी आर डूइंग जॉब, वी आर डूइंग जॉब, हम नौकरी कर रहे हैं या हम काम कर रहे हैं, वी आर डूइंग जॉब, अब क्या होगा, जॉब इज बीइंग डन बाय अस, जॉब इज बीइंग डन बाय अस, थर्ड फॉर्म डन है, ओके सर, टू बी डन, इसलिए आपने ओके सर, जॉब जॉब इज बीइंग, जॉब इज बीइंग डन बाय अस, इज बीइंग, ठीक है सर। देखिए जब आपका आर्टिकल या आपका प्रीपोजिशन नहीं होगा ऑब्जेक्ट के साथ, तो आपने डायरेक्ट आपने शुरू कर, वापस नाउन होगा, आपने नाउन शुरू कर देना आपने पैसिव वाइज, ठीक है, ये ख्याल कीजिए। यस सर जी, यस सर, आगे लिखें जी के, ओके सर, आगे है लिखें के ही इज शॉपिंग, He is shopping. बस ठीक है, वो शॉपिंग कर रहा है, वो शॉपिंग कर रहा है। ऐसा भी होता है कि अगर आपका जो है ऑब्जेक्ट ना हो फिर भी आप कर सकते हैं, इसको भी आसानी होगी आपको। ही इज शॉपिंग, वो शॉपिंग कर रहा है, अब क्या होगा, शॉपिंग इज बीइंग डन बाय हिम। सर कैसे आया डन, किधर आ गया, यहाँ पे करना आ गया ना, वहां तो करना नहीं था, इसलिए डन आया, ये ख्याल करना आपने, अगर आपका देखे ना, वहां पे ऑब्जेक्ट भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ गया आपका, सॉरी ऑब्जेक्ट कह रहा हूँ, वो आपका जो नहीं है शॉपिंग, डन बाय, हाँ आप देखे ना, शॉपिंग भी आपका आ गया और डन भी आपका, दोनों ही आपके जना वो वर्ब आ गए यहाँ पे, देखे ना, थर्ड फॉर्म की थर्ड फॉर्म यहाँ पे आ गई है, वर्ब लगा हुआ लगे, ठीक है, यस सर, शॉपिंग इज बीइंग डन, ऐसा भी होता है, ऐसा भी जुमले आते हैं, तो आपने इस तरह करना होगा इसको, ये थोड़ा सा है मामला, थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे ठीक हो जाएगा जी, जब उर्दू में करते हैं ना उसको तो आपने समझ हो जाती है, फिर क्या होगा, समझ आती है कि यहाँ पे डन लगना है यहाँ पे, ठीक है ना, ठीक है सर, आगे चले जी, नेक्स्ट नेक्स्ट आप लिखेंगे यू आर विनिंग द मैच, तुम मैच जीत रहे हो, यू आर विनिंग द मैच, तुम मैच जीत रहे हो, द मैच, दी मैच, दी शुरू में हमेशा दी पढ़ेंगे, दी मैच इज बीइंग वॉन, दी मैच इज बीइंग वॉन बाय यू, The match is being won by you. Won by you. Okay, sir. हाँ जी, चलें आगे. She is making tea. वो चाय बना रही है. She is making tea. She is tea. जी, इसका क्या होगा, टी इज बीइंग मेड, थर्ड फॉर्म मेड है, made, ओके सर, टी इज बीइंग मेड बाय हर, बाय हर, ठीक है सर, हाँ जी, टी इज मेड बाय हर, I am working in the office. मैं दफ्तर में काम कर रहा हूँ. The office is being. ये शुरू करें. अब देखें. Yes sir. इसमें क्या हो गया? इसमें आपका जो है प्रीपोजिशन भी आ गया आपका और आपका आर्टिकल भी आ गया है ऑब्जेक्ट से पहले, ठीक है, अब आप शुरू कहां से करना है, इनसे, ओके सर,
In the office. The भी जो है हमारे पास आर्टिकल. सर इन द ऑफिस है ना सर, द से शुरू करेंगे या इन. हाँ मैं अभी वही बोल रहा हूँ ना, मैं क्या लिखवाया है. यस सर. आई एम वर्किंग इन द ऑफिस. यस सर. जी इन द ऑफिस. इन द ऑफिस. आई बड़ा आएगा कैपिटल लेटर में. इन द ऑफिस इज बीइंग वर्कड बाय मी. बीइंग वर्कड बाय मी. यस सर लिख लिया. इज बीइंग वर्कड बाय मी. इस में क्या होगा, अगर दोनों कट्ठे आ जाएंगे, अगर आर्टिकल पहले आ गया या पहले आपका प्रीपोजिशन आ गया, तो आपने शुरू से यानी जो पहले आ रहा है उसको शुरू उससे शुरू करना है आपने. जैसे यहाँ से आपने शुरू किया है, प्रीपोजिशन से शुरू किया है. अगर यहाँ पे आर्टिकल होता इनकी जगह पे, तो आप आर्टिकल शुरू करते. ठीक है. यस सर. पैसे वाइज की बात कर रहा हूँ. पैसे वाइज यहाँ शुरू होता है आपका. जी अब कौन सा रह गया आपका प्रोनाउन जो यूज नहीं हुआ. छह हो गए आपके. यस सर. 6 हो गए हैं सर. बस ठीक है. अब यहां प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पे आ जाएं. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. प्रेजेंट शुरू करूं. हां जी. यस सर. ओके सर. ठीक है जी. के ही हैज ड्रंक वाटर. वो पानी पी चुका है. ही हैज ड्रंक वाटर. पानी पी चुका है. यस सर. अब क्या होगा. वाटर हैज बीन ड्रंक बाय हिम. हैज बीन आ जाएगा यहाँ पे बी डबल ई एन. हैज के साथ बी डबल ई एन लगा देंगे आप. वाटर हैज ड्रंक बाय हिम. ड्रंक बाय हिम. ड्रंक बाय हिम. लिख लिया सर. अब इसका क्या होगा. वो पानी पी चुका है. उर्दू में वो पानी पी चुका है. पानी उसके जरिए से पिया जाता रहा है. ठीक है ना. तो फिर आपने इसी चीज से उर्दू में करके इंग्लिश में कर दिया करें इस तरह. जी चलें आगे. शी हैज फिनिश द वर्क. वो काम खत्म कर चुकी है. शी हैज फिनिश द वर्क. द वर्क. शी हैज फिनिश्ड. अब देखें इसमें थर्ड पर्सन पहले लगी हुई है आपकी. आपको आसानी होगी ना यहाँ पर. परफेक्ट. यस सर. आपने वही फॉर्म लगा दी. यहाँ पे कुछ चेंज नहीं करना आपने. ठीक है जी. क्या है. शी हैज फिनिश्ड द वर्क. दी वर्क हैज फिनिश्ड बाय हर. फिनिश्ड बाय हर. यस सर. ये लिखा है. बिल्कुल ठीक है. चलें आगे. यस सर. You have completed the work. तुम काम मुकम्मल कर चुके हो. You have completed the work. तुम काम मुकम्मल कर चुके हो. The work. The work. शुरू में हम दी पढ़ेंगे. The work has been completed by you. By you. Happy work तो आप रटा लगा रहे हैं पैसे वाइज के. ठीक है ना. Yes sir. यही फिर आपके. देख लिया सर. जी आगे है. They have taken tea. Tea has been taken by them. लिख लिया सर. चलें आगे. We have taken the medicine. हम दवाई ले चुके हैं. The medicine has been taken by us. लिख लिया सर. 6 आगे है. She has gone to office. दफ्तर जा चुकी है. She has gone to office. Yes, sir. To office. Has been gone by her. लिख लिया सर. कौन सा प्रोनाउन रह गया आपका. आई रह गए. सारे हो गए. 6 हो गए सर. 6 हो गए. ओके नेक्स्ट. पास्ट परफेक्ट टेंस पे आ जाएं. पास्ट
जी यस सर लिख लिया। ही ड्रैंक वाटर, ही ड्रैंक वाटर, वाटर वाटर वॉज ड्रंक बाय हिम, वाटर वॉज ड्रंक बाय हिम। बाय हिम लिख लिया सर। चले आगे। शी she ate an apple, she ate a t e एप्पल she ate an apple, an apple was eaten by her, वाज an apple was eaten by her। नंबर 3 सर। डन। यस सर डन हो गया। ये चले आगे। चले सर आगे। दे डिड द वर्क, उन्होंने काम किया। दे डिड द वर्क, डी आई डी डिड द वर्क डी डी आई डी सेकंड फॉर्म में वर्क की। दे डिड द वर्क, द वर्क वाज दी वर्क वाज डन दी बाय वर्क वाज देम, डन डन बाय दे देम। ठीक है सर बाय लिख लिया देम। सर। बाय आगे देम लिख लिया। यू इसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी सर? डन 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 डी ओ एन ई। ओके आगे है। यू स्पोक द ट्रूथ, तुमने सच बोला। यू स्पोक स्पोक द ट्रूथ, यू द ट्रूथ स्पोक द ट्रूथ, तुमने सच बोला। दी स्पोक यू दे स्पोक द ट्रूथ ट्रूथ, दी ट्रूथ जी यू स्पोक द ट्रूथ, वाज तुमने सच बोला। दी ट्रूथ वॉज स्पोकन बाय यू, स्पोक दी ट्रूथ वॉज स्पोकन बाय यू। बाय यू लिख लिया। नंबर 5 नेक्स्ट। आई आई टुक टी, आई आई टुक टू टी, लोग टू थ्री टी वॉज टेकन बाय मी। बाय मी लिख लिया सर। नंबर कितने हो गए? 6 सिक्स हो गए। नंबर 5 अभी नंबर 6 लिखेंगे सर। सिक्स कौन सा रह गया? प्रोनाउन वही सर वही रह गया। वही यस सर वी वॉच द वही टीवी, हमने टीवी देखा। वी वॉच्ड द टीवी, द वी वॉच द टीवी वाज टीवी, दी टीवी दी टीवी वाज वॉज वॉच्ड, द टीवी वॉज वॉच्ड बाय अस। बाय अस लिख लिया सर। फुल स्टॉप। पास कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस ही वाज वाज प्लेइंग द मैच, ही वाज ही वाज प्लेइंग द मैच, दी द मैच मैच वाज बीइंग प्लेड बाय हिम, दी मैच वाज बीइंग द मैच प्लेड बाय हिम। मैच The match was being being प्लेड बाय by him। लिख लिया सर। Next, she was taking the breakfast। यस सर she was taking the breakfast। ब्रेकफास्ट दी ब्रेकफास्ट दी वॉज ब्रेकफास्ट बीइंग टेकन बाय हर। वाज बीइंग टेकन बाय हर टेकन बाय हर। नंबर 3 नेक्स्ट। नेक्स्ट है दे वर डूइंग जॉब। फुल स्टॉप। जॉब दे वर डूइंग जॉब, वाज बीइंग दे वर डूइंग जॉब, यस सर जॉब वाज जॉब बीइंग डन बीइंग बाय देम। बाय दे देम में चला जाएगा। दे वर डूइंग जॉब, जॉब वाज बीइंग डन बाय देम। देम यस सर। नेक्स्ट। वी वर
We were taking the rest. हम आराम कर रहे थे. We were taking the rest. We were taking the rest. The rest was being taken by us. The rest was being taken by us. Number लिख रहे हैं सर. Okay. You रह गया? I भी रहता है और you भी रहता है. I और you रहोगे. Okay. I was speaking a lie. मैं झूठ बोल रहा था. I was speaking a lie. A lie was being spoken by me. Next, you were completing the work. तुम काम मुकम्मल कर रहे थे. You were completing the work. The work was being completed by you. हो गया? Yes sir. चलें जागे. आपका है. Perfect. अब आपका है past perfect tense है. Yes. He had finished the work. वो काम खत्म कर चुका था. The work had been finished by him. By him. लिख लिया सर. Next full stop. She had read a book. वो किताब पढ़ चुकी थी. A book. नहीं नहीं यार मेरी बात सुनो. क्या हो गया? आर्टिकल स्ट्रेचली के साथ हमेशा आपने ए पार्टिसिपल भूल गए आप. A book had been read by her. Yes. चले आगे. They had watched the TV. वो टीवी देख चुके थे. They had watched the TV. वो टीवी देख चुके थे. The TV had been watched by them. लिख लिया सर. चले आगे. आगे चले. ये है. We had won the match. Won. WON. जी. The match had been won by us. We had won the match. The match had been won by us. Won by us. Next. Okay, sir. I had lost the match. Lost. LOST. मैं मैच हार चुका था. I had lost the match. The match had been lost by me. The match had been lost by me. Yes, sir. Number six. जी हो गया? Yes, sir. Number six बोले. जी number six कौन सा रहेगा? You रह गया? वो यू रह गया सर. यू है ना? यू रह गया. यू हैड
You had drunk water. तुम पानी पी चुके थे. Water had been drunk by you. Water had been drunk by you. लिख लिया सर. Next, future indefinite tense. आपको मालूम है कि आखिरी तीन टेंसेस जो हैं वो एक्टिव ऐसे पैसिव ऐसे में चेंज नहीं हो सकते. प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस चेंज नहीं हो सकता, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस चेंज नहीं हो सकता, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस चेंज नहीं हो सकता. बाकी नाइन टेंसेस चेंज हो सकती हैं जो मैं करवा रहा हूँ आपको. ठीक है जी. यस सर. चलें जी आगे लिखें कि ही विल He will start the work. वो काम शुरू करेगा. He will start the work. वो काम शुरू करेगा. The work will be started by him. लिख लिया सर. The work will be B-E आएगा ना, will be started by him. The work will be started by him. Okay, sir. आगे चलें. She will go to office. जी ऑफिस टू ऑफिस टू ऑफिस विल बी गॉन बाय हर गॉन लिख लिया सर. हाँ जी लिख लिया जवाब ने भी. ओके सर. यस सर. लिख लिया जवाब. यस सर. जी दे विल start job. नौकरी शुरू करेंगे. दे विल स्टार्ट जॉब JOB. यस. जॉब विल बी स्टार्टेड बाय देम. यस सर. ओके सर. देखिए ये आगे है. We shall take tea. Tea will be taken by us. लिख लिया सर. Tea will be taken by us. लिख लिया? Yes sir. जी. जवाब? Yes sir. Oh, लिख लिया. I shall open the fast. मैं रोजा खोलूंगा. I shall open the fast. फास्ट होता है रोजा. आई शैल ओपन द फास्ट. दी फास्ट विल बी ओपन बाई मी. देख लिया सर. दी फास्ट विल बी ओपन बाई मी. नेक्स्ट नेक्स्ट आपका है कौन से रह गए प्रोनाउन आपके, कितने हो गए हैं? ही सर. फोर हो गया. ही रहता है अभी? यस सर. ही हो गया. ही तो पहले सेट हुआ है सर. ही भी शी भी हो गया. ही विल स्टार्ट द वर्क. यस सर. दे भी हो गया. वी भी हो गया. यू रहता है सर. ओनली यू है. यू रहता है सर. यू ओनली. यस सर. यस सर. सिर्फ यू है. ओके. यस सर. यू विल फिनिश द वर्क. तुम काम खत्म करोगे. यू विल फिनिश द वर्क. The work will be finished by you. लिख लिया सर. चलें जी आगे. सर. अब है future continuous tense. He will be taking the lunch.
ही विल बी टेकिंग द लंच, दोपहर खाना ले रहा होगा. ही विल बी टेकिंग द लंच. यस सर. द लंच, द लंच विल बी बीइंग टेकन बाय हिम. द लंच विल बी बीइंग टेकन बाय हिम. Will be being, being will be being, be be will be के साथ being लगा देंगे, being will be being taken in by him by. Yes sir. Next. Okay sir. She will be doing homework. वो घर का काम कर रही होगी. She will be doing homework. Homework will be being done by her. Homework will be being done by her. हो गया? एक मिनट सर, ऐसा बोलने थोड़ा. हो गया जवाब? सर लिख लो. उसका नहीं हुआ सर अभी. क्या हुआ? What happened? हो गया सर. हो गया? यस सर. चलें आगे. दे विल बी, दे विल बी, दे विल बी टेकिंग द मेडिसिन. वो दवा ले रहे होंगे. दे विल बी टेकिंग द मेडिसिन. दे विल बी टेकिंग द मेडिसिन. वो दवा ले रहे होंगे. जी लिख लिया सर. चले लिखे आगे. द मेडिसन विल बी बीइंग टेकन बाय देम. लिख लिया सर. द मेडिसन विल बी बीइंग टेकन बाय देम. लिख लिया? यस सर. सर मैंने लिख. वी शैल बी प्लेइंग द मैच. वी शैल बी प्लेइंग द मैच. जल्दी में काम नहीं करना, काम खराब हो जाएगा. सोच समझ के करना है. Yes, sir. The match will be being played by. एक कौन सा प्रणाम, कौन सा था? वही सर. हाँ, by us. By us. Okay. I shall be starting the work. मैं काम शुरू कर रहा हूँगा. I shall be starting the work. The work will be being started by me. चले आगे. I started the work. सर शुरू वाला क्या था? The work है ना? Yes sir. The work will be being started by me. By me, sir. आगे है you will be. You will be drinking water. तुम पानी पी रहे होगे. You will be drinking water. Water will be being drunk by you. हो गए छह प्रणाम? Yes, sir. Water. हो गए? Yes, sir. Six हो गए. चलें जी आगे. चलें जी फ्यूचर परफेक्ट टेंस पे आ जाएं. लास्ट टेंस आपका है एक्टिव पैसिव के हिसाब से. आखिरी टेंस है आपका ये. कोई तीन आखिरी चेंज हो सकते हैं, बताइए आपको. चलें शुरू करें. ही विल हैव. यस. ही विल हैव वॉन द मैच. वो मैच जीत चुका होगा. ही विल हैव वॉन द मैच. द मैच विल हैव बीन वॉन बाय हिम. बी डबल एन बीन. The match will have been won by him. चले आगे. लिख लिया सर. by him. आगे है she will have. Yes sir. Done the work. वो काम पूरा कर चुकी होगी. She will have done the work. यहाँ पर थर्ड फॉर्म लगी हुई है, आपको आसानी होगी आपके लिए. She will have done the work.
The work will have been done by her. She will have done the work. हाँ हाँ she will have done the work है ना, वो काम पूरा कर चुकी होगी. ये आपका टेंस है ना आपका. अब पैसे वाइज है. The work will have been done by her. Been done by her. चले आगे. ओके सर. यस सर. You will have taken the dinner. You will have taken the dinner. Yes, sir. The dinner will have been taken by you. Likh liya, sir. Kar liya.